हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैप्पी स्टडी जोन। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं झारखंड एसआई 2017 में पूछे गए प्रीवियस के सारे क्वेश्चन, जिसमें हमने सेट वन और सेट टू का कंप्लीट एनालिसिस कर लिया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेट थ्री। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट इंडियन ड्राइवर टू विन FIA फॉर्मूला 3 यूरोपियन चैंपियनशिप। किस प्रथम भारतीय ड्राइवर ने FIA फॉर्मूला 3 यूरोपियन चैंपियनशिप जीती? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेहन दारूवाला, यानी ऑप्शन नंबर 4। और ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो इसे हम याद नहीं रखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द रेपो रेट एज ऑन जून 2017? जून 2017 में वर्तमान रेपो रेट क्या है? तो 2017 के अनुसार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6.25%, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें रेपो रेट की, तो रेपो रेट क्या होता है, कोई भी कॉमर्शियल बैंक के पास जब पैसे की कमी हो जाती है तो RBI से उधार लेती है, ठीक है। और RBI इसके बदले एक रेट चार्ज करती है कमर्शियल बैंक से, उसी रेट को कहते हैं रेपो रेट। अगर हम बात करें रिवर्स रेपो रेट की, तो इसमें उल्टा हो जाता है। जब बैंक के पास पैसे अधिक हो जाते हैं, सरप्लस मनी हो जाता है, तो ये क्या करता है कि RBI के पास पैसा जमा कर देता है, ठीक है। इसके बदले RBI इंटरेस्ट देती है कमर्शियल बैंक को, यानी कि जस्ट उल्टा हो जा रहा है, तब यहाँ पे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेट हैज ओपेंड इंडियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर एक्वेरियम इन 2017? भारत का सबसे बड़ा ताजे पानी का एक्वेरियम किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। और झारखंड में इसका सबसे पहले उद्घाटन किसने किया था? रघुवर दास ने किया था, ठीक है। और मांझी में स्थित बिरसा मुंडा जैविक उद्यान रांची में किया था, ठीक है। अगर हम बात करें रांची की, तो रांची में कुछ फेमस पार्क हैं जैसे दीनदयाल पार्क, नक्षत्र वन, ऑक्सीजन पार्क, सिद्धू कानू पार्क और श्री कृष्णा पार्क। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 1 की, उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड क्यों फेमस है, इसे फूलों की घाटी कहा जाता है या देवभूमि भी कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा। अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल की, तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से किस बॉलीवुड अभिनेत्री को 2017 मेलबोर्न भारतीय फिल्म फेस्टिवल के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्या बालन। अगर हम बात करें प्रियंका चोपड़ा की, तो 2019 में यूनिसेफ द्वारा डेनिक मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किसको सर्बिया का प्रेसिडेंट घोषित किया गया है मई 2017 में? तो मई 2017 के अनुसार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि अलेक्सेंडर वुसिक। अगर हम बात करते हैं सर्बिया की, तो सर्बिया के एक खिलाड़ी बहुत ज़्यादा फेमस है, टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच, जो कि 2020 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का विनर भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, महेश मुरलीधर भागवत को यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ स्टेटस ने किस अवार्ड से नवाजा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रैफिक इन पर्सन रिपोर्ट हीरोज अवार्ड। और इसको याद नहीं रखेंगे क्योंकि ये 2017 के करंट अफेयर का क्वेश्चन था, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, आर्यभट्ट इज द नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? आर्यभट्ट निम्न में से किसका नाम है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट, यानी ऑप्शन नंबर 3। अगर इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट की बात करें, तो इसका वजन कितना था, 360 kg, और एक प्रक्षेपित किया गया था, यह किया गया था 19 अप्रैल 1975 को, ठीक है। कहाँ से किया गया था, सोवियत संघ के इंटर कॉस्मोस रॉकेट के मदद से किया गया था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, पुंटो कार किस ब्रांड की है? तो किस ब्रांड की है, फिएट ब्रांड की है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अलकनंदा नदी मिलती है धौली गंगा नदी से किस स्थान पर? तो किस स्थान पर मिलती है, सभी जानते हैं विष्णु प्रयाग पर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारत में सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग की शुरुआत कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1960, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारत में पहली विश्व बैंक परियोजना कौन है जो विशेष रूप से किशोर लड़कियों और युवा महिलाओं के कल्याण पर समर्पित है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तेजस्विनी योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि किशोर लड़कियों और युवा महिलाओं के लिए विशेष रूप से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तियों में स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं खजुराहो टेम्पल की, तो ये चंदेल वंश के द्वारा बनाया गया था,
अगर हम बात करते हैं गुजरात की, यानी कि ऑप्शन नंबर वन की, तो गुजरात में रानी की वाव काफी फेमस है जो 100 रुपए के नोट पर भी अंकित है। अगर हम बात करते हैं ओडिशा की, तो ओडिशा में है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसका निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने, और इसे ब्लैक पकोडा के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ये 10 रुपए के नोट पर भी अंकित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, किस देश ने 2017 में फीफा कॉन्फेडरेशन कप जीता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी, ठीक है। जर्मनी ने ये कप जीता था, चिल्लू को हरा कर जीता था। अगर हम बात करते हैं फीफा 2018 की, तो फीफा 2018 के विनर कौन था? विनर था फ्रांस, आयोजित किया गया था रूस में, और फ्रांस किसे हराया था? क्रोएशिया को हराया था। अच्छा, अगर हम बात करते हैं क्रोएशिया की, तो क्रोएशिया की राजधानी कहाँ है? जागरेब है, तो याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं फीफा रैंकिंग की, तो फीफा रैंकिंग में टॉप पर कौन है? बेल्जियम है। और हमारे इंडिया का रैंकिंग कितना है? 108वां रैंकिंग है, तो इसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, प्रतिष्ठित यूरोपीय नारीवादी राजनेता सिमोन वेल्ली की 2017 में मृत्यु हो गई, वह किस देश के रहने वाले थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस। अगर हम बात करते हैं फ्रांस की, तो फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस है, और इसका मुद्रा है यूरो। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? यहाँ के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। अच्छा, अगर हम बात करते हैं ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? बोरिस जॉनसन, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इटली की, तो इटली के पीएम कौन है? जीएसेप्पे कांटे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस कमेटी को बीसीसीआई ने लोढ़ा पैनल रिफॉर्म्स मुद्दों को क्रियान्वयन के लिए नियुक्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजीव शुक्ला कमेटी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? सौरभ कांगली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, भारत सरकार का स्किल इंडिया कैंपेन लॉन्च करने के पीछे क्या उद्देश्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2022 तक 20 करोड़ लोगों को स्किलिंग के माध्यम से प्रशिक्षित करना, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें स्किल इंडिया कैंपेन की, तो इसकी शुरुआत 2015 में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच स्टेट इज नेम्ड एज देवभूमि? किस राज्य को देवभूमि कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। इसके अलावा उत्तराखंड को फूलों का घाटी भी कहा जाता है, और उत्तराखंड का हाल ही में एक ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बनाया गया है, जिसका नाम है गैरसेन, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी होने से पहले किस जिले में आता था? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुंटूर। अगर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में ही 25वां उच्च न्यायालय बना है, जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? जीके माहेश्वरी है। अच्छा, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां बनाने की बात हुई है, ठीक है, कौन कौन सा? अमरावती, विशाखापत्तनम और कुरनूल, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को दिया शीर्षक जो उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान आत्मसमर्पण कर दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैसर ए हिंद, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन, कन्याकुमारी डॉट डॉट में है, कहाँ पर है? भूमध्य रेखा के उत्तर में है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन, पंजाब में कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 2017 में विधानसभा चुनाव करवाए गए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 117, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन, विश्व का पहला पानी के नीचे मूर्ति कला संग्रहालय, जिसका उद्घाटन जनवरी 10, 2017 में हुआ था, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम क्या है? मूसो अटलांटिका, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन, हु इज द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग के उपाध्यक्ष के क्या नाम है? तो 2017 के अनुसार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरविंद पनगड़िया, यानी ऑप्शन नंबर 2, लेकिन वर्तमान में अभी कौन है? राजीव कुमार है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नीति आयोग की, तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। और इसके प्रथम सीईओ कौन थे? सिंधु श्री कुल्लर थे, और अभी सीईओ कौन है? अमिताभ कांत हैं। अच्छा, अगर हम बात करें नीति आयोग की, तो नीति आयोग का पहले नाम था प्लानिंग कमीशन, यानी योजना आयोग, ठीक है। और योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को दिल्ली में, ठीक है। तो इतने सारे फैक्ट्स बन जाते हैं नीति आयोग से। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन, हाउसिंग कंपनी के पूर्व सीईओ जिसने 2017 में स्नैपडील में अपना कार्यकाल आरंभ किया, करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसन कोठारी, ऑप्शन नंबर 1। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 3 की, बेनी बंसल और सचिन बंसल,
दोनों ने फ्लिपकार्ट की स्थापना की थी 2007 में, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलोर में है। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन, 12 जनवरी 2017 को किस सम्मानित आध्यात्मिक नेता की 154वीं जन्मदिन की सालगिरह आयोजित हुई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। इनके जन्मदिन के अवसर पे ही 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की, तो यह 12 अगस्त को मनाया जाता है। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन, परोथामा राजकुमार विख्यात व्यक्तित्व जिनकी अभी मृत्यु हुई है बेंगलोर में, वो किस फील्ड से थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिल्म इंडस्ट्री, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। और ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसे याद नहीं रखेंगे, ठीक है। जो हाल फिलहाल में मृत्यु हुई है, अभिचुअरीज हुई है, उसे याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में गुमटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर 4। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 1 की, सिक्किम की, तो सिक्किम में है कंचनजंगा नेशनल पार्क, गुजरात में है गिर राष्ट्रीय उद्यान, और पंजाब में है चिंजी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन, विपिन रावत ने किस भारतीय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के स्थान पर पद ग्रहण करा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दलबीर सिंह सुहाग, यानी ऑप्शन नंबर 3। और ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसे हम याद नहीं रखेंगे, बल्कि इससे रिलेटेड सारे एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस करेंगे। अगर हम विपिन रावत की बात करें, तो अभी वर्तमान में विपिन रावत क्या है? ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के प्रमुख हैं, ठीक है। और ये आर्मी चीफ थे पहले, ठीक है। और इनके जगह पे अभी कौन बनाया गया है? मनोज मुकुंद नरवणे। अगर हम बात करें एयर चीफ की, यानी कि वायुसेना अध्यक्ष की, तो अभी कौन है? RKS भदौरिया है। और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है, यानी कि नौसेना अध्यक्ष कौन है? अभी है करमवीर सिंह। तो इतने सारे फैक्ट्स आपको याद रखना है 29 नंबर क्वेश्चन से। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन, विराट कोहली को 2016 में किस बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। पंजाब नेशनल बैंक के अलावा ये उबर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है, ब्लू स्टार के ब्रांड एम्बेसडर है, गूगल ड्यू के ब्रांड एम्बेसडर है। अगर हम बात करें पंजाब नेशनल बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 19 मई 1894 को, और इसके वर्तमान में CEO कौन है? SS मल्लिकार्जुन राव, ठीक है। तो इतने सारे फैक्ट्स आप याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन है, 2000 में झारखंड के निर्माण के बाद से 6 मुख्यमंत्रियों में से झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि JMMC कितने थे? तो कितने लोग थे? 2 लोग थे, हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन। अगर हम बात करें 6 मुख्यमंत्री कौन कौन थे, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, मधु गोड़ा और एक रघुवर दास। इस तरीके से टोटल 6 मुख्यमंत्री थे। अगर हम बात करें हेमंत सोरेन की, जो वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, ये कितने नंबर के हैं? अगर पर्सन वाइज देखें तो 11 नंबर के मुख्यमंत्री हैं। और ये हैं JMM से, तो JMM के बारे में जानते हैं। JMM यानी झारखंड मुक्ति मोर्चे की स्थापना कब हुई थी? 4 फरवरी 1973 को। और इसके अध्यक्ष बने थे विनोद बिहारी महतो, और इसके महासचिव कौन थे? शिबू सोरेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अर्जुन मुंडा द सेकेंड चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड वाज फ्रॉम विच कंस्टिट्यूएंसी ऑफ स्टेट? झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा राज्य के किस क्षेत्र से आते थे, यानी कि इनका निर्वाचन क्षेत्र क्या था? इनका निर्वाचन क्षेत्र था खरसावां, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं अर्जुन मुंडा की, तो वर्तमान समय में ये खुट्टी से सांसद है, यानी कि MP है, साथ ही साथ केंद्रीय जनजातीय मंत्री भी हैं। अगर हम बात करते हैं रामगढ़ की, तो रामगढ़ से अभी MLA कौन है? ममता देवी हैं कांग्रेस से। और रांची से कौन है MLA? चंद्रशेखर प्रसाद सिंह है, जो कि BJP से है। अगर बात करते हैं जमशेदपुर की, तो पूर्वी जमशेदपुर से हैं सरयू राय, जो कि निर्दलीय हैं, और इन्होंने रघुवर दास को हरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ईयर वॉज द प्रेजिडेंट रूल इम्प्लीमेंटेड इन द झारखंड फॉर द सेकेंड टाइम? झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जून 2010, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें राष्ट्रपति शासन की, तो राष्ट्रपति शासन कौन से आर्टिकल के तहत लगता है? ये 356 के तहत लगता है, ठीक है। और झारखंड में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। कब कब लगा है? सबसे पहले लगा था 19 जनवरी 2009 को, दूसरी बार लगा था 1 जून 2010 को, और तीसरी बार लगा था 18 जनवरी 2013 को। इस प्रकार 3 बार झारखंड में राष्ट्रपति शासन लग चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन झारखंड? झारखंड में भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? रांची के हटिया में,
यानी कि ऑप्शन नंबर वन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं HEC की यानी कि हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 ईस्वी में और उत्पादन शुरू हुआ था 1963 ईस्वी में, और HEC को कारखानों का कारखाना कहा जाता है। अच्छा, ये किसके सहयोग से बनाया गया था? रूस और चेकोस्लोवाकिया की सहायता से बनाया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बोकारो स्टील प्लांट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? बोकारो स्टील प्लांट किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1964, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर सीड ग्रोन इन झारखंड? निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख बीज झारखंड में उगाया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सरसों, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड राज्य सरकार द्वारा कितने प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द एरिया ऑफ झारखंड स्टेट? झारखंड राज्य का क्षेत्रफल क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30,778 स्क्वायर मील, यानी ऑप्शन नंबर 4। ये मील है, मीटर नहीं है। अगर हम बात करते हैं 1 मील इक्वल टू कितना होता है, 1 मील इक्वल टू होता है 1.61 किलोमीटर। अगर हम किलोमीटर में बात करें झारखंड का क्षेत्रफल, तो कितना होता है 79,740 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स की, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम है, और सबसे छोटा जिला है रामगढ़। अगर हम बात करते हैं पूरे देश में झारखंड का, तो झारखंड का कौन सा स्थान है? 16वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, तिलैया हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज एस्टैब्लिश्ड ऑन विच रिवर इन झारखंड? झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बराकर नदी। ये कब स्थापित हुआ? 1953 में, और इसका क्षमता है 60,000 किलोवाट। कोनार नदी पर है कोनार जल विद्युत केंद्र, जिसकी स्थापना हुई 1955 में। स्थान है हजारीबाग और नदी कौन सा है? बोकारो नदी। अगर हम बात करते हैं स्वर्णरेखा जल विद्युत केंद्र की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 में, और ये रांची में स्थित है। अगर हम बात करते हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, दामोदर नदी पर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, चतरा जिला उग्रवादियों की हिंसा के एक बहुत गंभीर दौर से गुजर रहा है, इनमें से किस प्रतिबंधित नक्सली संगठन द्वारा? ठीक है, तो कौन सा संगठन है? MCC है, सभी जानते हैं MCC संगठन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, पुराणों के मुताबिक झारखंड का कौन सा मंदिर अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त जगह माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैद्यनाथ मंदिर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। और ये वैद्यनाथ मंदिर कहाँ पे है? मंदिरों का शहर देवघर में है। इसके अलावा देवघर में कौन कौन सा मंदिर है? नौलखा मंदिर, राम लक्ष्मण मंदिर और काली दुर्गा मंदिर। अगर हम बात करते हैं मंदिरों का गांव, तो मंदिरों का गांव कौन सा है? मल्लूटी, जो कि दुमका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अंडर दुमका सब डिविजन हाउ मेनी ब्लॉक्स आर देयर? दुमका उपप्रभाग के तहत कितने ब्लॉक होंगे? करेक्ट आंसर हो जाएगा 10, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। अगर हम बात करते हैं टोटल ब्लॉक की, तो टोटल ब्लॉक कितने हैं? 264 है वर्तमान समय में, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, गढ़वा जिला झारखंड के किस जिले के साथ जुताई से बना था? करेक्ट आंसर हो जाएगा पलामू जिला। अगर हम बात करते हैं पलामू जिला की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1872 में। अच्छा, अगर हम ऑप्शन नंबर 1 की बात करें, तो रांची की स्थापना कब हुई थी? 1899 में। और जमशेदपुर की कमेंट बॉक्स में बताइए। और बोकारो, चतरा और गढ़वा तीनों का हुआ था 1991 में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? पारसनाथ पहाड़ी, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं पारसनाथ पहाड़ी की, तो पारसनाथ पहाड़ी को सम्मेत शिखर भी कहा जाता है। अगर पूछे कि दूसरा सबसे ऊंचा कौन सा है, तो सरुवात की पहाड़ी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड से किस जिले से गोड्डा जिला तैयार किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संथाल परगना, यानी ऑप्शन नंबर 2। अभी हमने बताया था रांची की स्थापना कब हुई थी? 1899 में। और बोकारो की स्थापना कब हुई थी? बोकारो, चतरा और गढ़वा तीनों की स्थापना हुई थी 1991 में। और जमशेदपुर का हमने कमेंट बॉक्स में आंसर मांगा हुआ है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, इन विच असेंबली इलेक्शन वॉज इट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट BJP केम इन कम्प्लीट मेजोरिटी इन स्टेट ऑफ झारखंड? किस विधानसभा चुनाव में पहली बार झारखंड राज्य में भाजपा पूरी बहुमत में आई थी?
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 दिसंबर 2014, यानी कि ऑप्शन नंबर वन। और वर्तमान समय में बात करें तो अभी गठबंधन की सरकार है JMM, कांग्रेस और RJD के, और 11वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं हेमंत सोरेन, जो कि JMM से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, गुमला डिस्ट्रिक्ट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी सब डिविजन्स, गुमला जिले में कितने उप विभाजन होते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अगर हम बात करते हैं गुमला जिले की, तो गुमला जिले में कुछ मंदिर फेमस है, जैसे अगर हम बात करते हैं टांगीनाथ मंदिर की, तो यह मंझगांव गुमला में है, अंजन धाम गुमला में है, महामाया मंदिर गुमला में है, उसके बाद हल्दी घाटी मंदिर भी गुमला में है, और वासुदेव राय मंदिर भी कोरांबे गुमला में ही है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड बिरसा मुंडा स्टेडियम इज सिचुएटेड, झारखंड के निम्नलिखित जिला में से बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ स्थित है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रांची, यानी ऑप्शन नंबर 4। इसके अलावा रांची में मेकन स्टेडियम, जयपाल सिंह स्टेडियम, एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम और शताब्दी स्टेडियम है। अगर हम बात करते हैं धनबाद की, तो धनबाद में कौन सा स्टेडियम है, डिगोवा डी स्टेडियम। जमशेदपुर में कौन सा स्टेडियम है, मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम और किनन स्टेडियम। अगर बात करते हैं गुमला की, तो गुमला में कौन सा स्टेडियम है, अल्बर्ट एक्का स्टेडियम, और बोकारो में भी एक स्टेडियम है, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, वह जनजाति जिसकी ओल चीके स्क्रिप्ट के नाम वाली अपनी स्क्रिप्ट है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा संथाल, यानी ऑप्शन नंबर 2। और इसके निर्माणकर्ता कौन है, यानी खोजकर्ता कौन है, रघुनाथ मुर्मू है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इज ऑल्सो नॉन एज कुरुक, निम्नलिखित में से कौन सा गोत्र कुरुक के नाम से भी जाना जाता है, उराव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। उराव के युवागिरी को बोला जाता है धूमकुरिया, और इसके प्रमुख देवता है धर्मेश। अगर हम बात करें उराव जनजाति की, तो ये झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है और भारत की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। अच्छा, झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, संथाल जनजाति, जो कि प्रोटोस्ट्रोलॉयड प्रजाति से बिलोंग करता है, और इसका खुद का लिपि है ओल चेके, जिसके खोजकर्ता कौन है, रघुनाथ मुर्मू। अगर हम बात करते हैं 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 की, तो इसमें संथाल भाषा को जोड़ा गया था, साथ ही साथ तीन और भाषा को जोड़ा गया था, डोगरी, मैथिली और बोडो। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन, इन झारखंड सर्व शिक्षा अभियान इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, झारखंड में सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू किया जा रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन, मुंडा दुर्द वॉज पब्लिश्ड इन विच ईयर, किस साल में मुंडा दुर्द प्रकाशित हुआ, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1942, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन, विच इज द बिगेस्ट सिटी ऑफ झारखंड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, आबादी के मामले में झारखंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर, यानी ऑप्शन नंबर 1। अगर जिला पूछे कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो रांची, और सबसे छोटा जिला आबादी के मामले में कौन सा है, लोहरदगा है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, पश्चिमी सिंहभूम, और सबसे छोटा जिला है रामगढ़। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन, झारखंड वॉज कनेक्टेड बाय ट्रेन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स, झारखंड को निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष रेलगाड़ी से जोड़ा गया था, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1908, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज हल्दी घाटी ऑफ छोटा नागपुर, निम्न में से कौन सा छोटा नागपुर के हल्दी घाटी के नाम से भी जाना जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा कोरांबे, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अगर हम ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हैं सारंडा की, तो सारंडा को कहा जाता है 700 पहाड़ियों का क्षेत्र, देवघर को कहा जाता है मंदिरों का शहर, और मंदिरों का गांव कहा जाता है मलूटी, जो कि दुमका में है। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन, द फर्स्ट पावर स्टेशन इन झारखंड वाज एस्टैब्लिश्ड इन, झारखंड में पहला पावर स्टेशन स्थापित किया गया था कहां पर, तिलैया, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तिलैया कहां है, कोडरमा में, और ये पावर स्टेशन किस नदी पर है, तो ब्राकर नदी पर है। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसर्व्ड प्लेस इज बिगेस्ट इन झारखंड, झारखंड में निम्न में से कौन सा संरक्षित स्थान सबसे बड़ा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा पलामू, यानी ऑप्शन नंबर 1। अगर हम बात करते हैं पारसनाथ की, तो पारसनाथ कहाँ पे है, गिरिडीह में है, और ये झारखंड की सबसे बड़ी पहाड़ी है, और दूसरी सबसे बड़ी पहाड़ी कौन सी है, सरुआत की पहाड़ी है। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी टाउन्स आर देयर इन झारखंड एज पर 2011 सेंसस, 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में कितने शहर हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा 152, यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन, धनबाद इज अंडर द रेलवे रीजन ऑफ, धनबाद किस रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत है, करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन,
बोकारो वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1991 बाई कवरिंग आउट हाउ मेनी ब्लॉक्स फ्रॉम धनबाद डिस्ट्रिक्ट। 1991 में बोकारो की स्थापना धनबाद जिले के कितने ब्लॉक से की गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा दो ब्लॉक से, यानी ऑप्शन नंबर वन। धनबाद जिला कब बना था? 1956 में। और धनबाद में ही तोपचांचे अभयारण्य है जो कि 1978 में स्टैब्लिश हुआ था, भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा धनबाद में डिगुआडी स्टेडियम है। इस तरीके से हम लोगों ने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है झारखंड जीके का। तब यहाँ से साइंस का क्वेश्चन शुरू हो जाता है और पहला क्वेश्चन है, एक क्षेत्र जिसमें स्थलीय, समुद्री और तट के पारिस्थितिक तंत्र शामिल है उन्हें कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है? जीवमंडल रिजर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जिस दर से वस्तु अपना स्थान बदलता है उसे कहते हैं? तो उसे कहा जाता है वेलोसिटी, यानी कि वेग। और वेग क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यानी कि विस्थापन में परिवर्तन के दर को क्या कहा जाता है? वेग कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक उपकरण जो बिजली के चार्ज को पहचानने के लिए उपयोग किया जाता है उसे कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोस्कोप, यानी कि विद्युत दर्शी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बैटरी में कौन सा एसिड का उपयोग किया जाता है? किस एसिड का उपयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड का, यानी H2SO4 का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, रेत और कंकड़ के रूप में जाने वाले कणों को दूर करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? इरोजन, यानी कि अपचरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, तापमान जिस पर वायु में जलवाष्प तरल अवस्था में है वह है क्या है? ओसांग कहा जाता है, यानी कि ड्यू पॉइंट। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, संगम एक प्रकार का है, तो संगम एक प्रकार का क्या है? औषधीय चट्टाने हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मेंटल के नीचे स्थित है, तो मेंटल के नीचे क्या स्थित है? अर्थक्रस्ट, यानी पृथ्वी की पपड़ी। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सौरमंडल में सबसे अधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह है? तो 2017 के अनुसार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। लेकिन अगर हम करंट में बात करें तो शनि के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है, 82 उपग्रह, जबकि बृहस्पति के पास कितना है? 79। अब अगर क्वेश्चन पूछे तो इसका करेक्ट आंसर शनि होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, खमीर अंगूर की चीनी को परिवर्तित करती है, किसमें परिवर्तित करती है? अल्कोहल में, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, पवन की गति के माप की इकाई कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? नोट कहा जाता है, जहाज मील, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, 10 खनिजों का एक पैमाना है जो बहुत ही नरम तालक से लेकर बहुत कठिन हीरे तक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंह की तरलता का स्केल, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, उत्तरी अटलांटिक महासागर पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? हरिकेन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, प्लांट सेल की दीवारें एक बुनियादी संरचनात्मक घटक है, तो किसका है? सेल्यूलोज का है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, जब लाल लिटमस पेपर एक बेस में डुबोया जाता है तो लाल लिटमस पेपर बदलता है, तो किस में बदल जाता है? ब्लू में, यानी कि नीला में बदल जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर बेस में ना डुबाकर अगर इसे एसिड में डुबोया जाता तब ये कैसा हो जाता? रेड, ठीक है, लाल हो जाता है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, निश्चित संरचना का कानून प्रस्तावित किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था? जोसेफ प्रोस्ट के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 1 एंटोनियो लवाजर की, जिसे फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, और जॉन डॉल्टन की अगर बात करें तो इन्हें परमाणु सिद्धांत इन्होंने दिया था, जॉन डॉल्टन ने। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, डॉट प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोशिका विभाजन के बाद दो कोशिकाओं को विभाजित किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? साइटोकाइनेसिस कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, डॉट मिट्टी में एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, तो कौन सा है? राइबोजियम है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, सबसे प्रचुर खनिज समूह है, तो कौन सा है? सिलिकेट है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, डॉट डॉट में सल्फर एक परमाणु या अधिक धातु तत्व से बंधे होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सल्फाइड, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसआई सेट 3 के मैथ का क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है, एक अंडे बेचने वाला 8 दर्जन अंडे 1 रुपये के 4 के भाव से खरीदता है, 1 दर्जन अंडे ले जाने में टूट जाते हैं, तब भी 5% लाभ कमाने के लिए प्रति अंडे किस दर से बेचेगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 रुपये में वो 4 अंडे खरीदता है, यानी कि टोटल 12 अंडे का 3 रुपये पड़ जाएगा और 8 दर्जन का कितना हो जाएगा 24 रुपया, लेकिन 1 दर्जन अंडे ले जाने में टूट जाते हैं तो 7 दर्जन बच गया, जिसका कीमत कितना है 24 रुपये, 7 दर्जन यानी कि टोटल 84 पीस हो जाएगा, 84, तो 1 अंडे का कीमत कितना पड़ जाएगा, 1 अंडे का कीमत पड़ेगा 24/84, ठीक है। और ये क्या है, यह इसका CP है 1 अंडे का, यानी कि क्रय मूल्य है, और क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है 100% होता है, तो 100% का वैल्यू कितना है 24/84 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 5% का लाभ कमाना है तो 105% निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 105 और नीचे आ जाएगा 100। अब चूंकि आंसर पैसे में दिया है तो रुपये को हम पैसे में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब कर लेते हैं कैंसिल आउट, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 21 से 4 बार में, 21 से 5 बार में, ये 4 से 6 बार में, तो 6×5=30 पैसे पर अंडे के हिसाब से बेचना होगा 5% लाभ कमाने के लिए, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 180 का 3/4 225 के 2/3 से कितना अधिक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या करेंगे, 225 का 2/3 कितना अधिक है, मतलब माइनस कर लेंगे 180 का 3/4। अब क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए कितना बार में कट जाएगा, 75 बार में, और ये कितना बार में कट जाएगा, 45 बार में, तो 75 × 150 और 45 × 135, माइनस करने के बाद कितना आ रहा है 15, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, यदि 20 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 25 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखिए 20 व्यक्ति हैं, 10 दिन में पूरा करते हैं तो 25 व्यक्ति कितना दिन में पूरा करेंगे, ठीक है, कैंसिल कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। देखिए 5 बार में कट जाएगा, ये 5 से 2 बार में और ये 5 से 4 बार में, तो 4×8 दिन में पूरा कर लेंगे, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एक समान गति से चलते हुए मोहित अपने घर से स्कूल, जो कि 800 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, 20 मिनट में पहुंचता है, मोहित की चाल क्या है, तो देखिए यहाँ पर डिस्टेंस दिया हुआ है 800 मीटर और टाइम दिया हुआ है 20 मिनट्स, जब इसको डिवाइड करेंगे यानी कि स्पीड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 800/20 यानी कि 40 मीटर पर मिनट, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक रेलगाड़ी अपने स्वयं की चाल की 6/13 चाल से चलकर किसी स्थान पर 26 घंटे में पहुंचती है, यदि रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल से चले तो कितने समय की बचत हो जाएगी। देखिए यहाँ पे स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 6:13, ठीक है, यह स्पीड का रेशियो है, टाइम का रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, यानी कि 13:6 हो जाएगा, ठीक है, और ये इसी का वैल्यू दिया हुआ है 26, जो कि 2 टाइम्स है, तो 6×2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब देखिए पहले पहुंच रहा था 26 घंटे में और अब पहुंच रहा है कितने 12 घंटे में, तो कितना का समय बचत हो रहा है 14 घंटे का, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 2 पासे के एक साथ फेंकने पर योगफल 7 आने की क्या संभावना है, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम पासा 1 मान लेते हैं और पासा 2 मान लेते हैं, इसमें योग क्या क्या आ सकता है, 1 6 आ सकता है, 2 5 आ सकता है, 3 4 आ सकता है, ठीक है। अच्छा, पासा 2 में आ सकता है 6 1 5 2 और 4 3, यानी कि टोटल कितने पॉसिबिलिटी हो गए, टोटल पॉसिबिलिटी हो गए 6, ठीक है, चूंकि 2 पासा है तो 2 पासा में हम क्या करेंगे, स्क्वायर करते हैं टोटल ऑब्जर्वेशन निकालने के लिए, तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल कर लेते हैं 1/6, तो 1/6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, न्यून कोण थीटा का मान ज्ञात करना है, जिसमें यह दिया हुआ है, देखिए 8 cos² θ = 6 है, 8 इधर आ जाएगा,
कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, यानी कोस थीटा का वैल्यू कितना हो गया, √3/2 हो गया। कोस थीटा का वैल्यू कितना हो गया, √3/2, और √3/2 किसका होता है, 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री का, तो थीटा के जगह पे कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अब देखिए क्या है इसमें कि एक पेड़ आंधी में टूट गया, उस पेड़ का शीर्ष भूतल से 45 डिग्री कोण पर टिका है और उसकी दूरी उस जड़ से 50 मीटर है, तदनुसार उस पेड़ की ऊंचाई कितनी थी। अब देखिए ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि एक जो पेड़ था वो आंधी से टूट गया, इतना रहा होगा आगे यहाँ तक, लेकिन क्या हुआ कि टूट कर वो ज़मीन से टिका हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 45 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। ये जड़ है और ये जो टिका हुआ है इसके बीच का दूरी कितना है, ये 50 मीटर। अब देखिए यहाँ भी 45 डिग्री है तो यहाँ भी 45 डिग्री होगा, ठीक है, तो दोनों भुजा क्या होगा, बराबर होगा, तो ये 50 है तो ये भी कितना होगा, 50 होगा। अब इसको हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, कितना निकल जाएगा, 2√50 निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला और ये वाला टोटल पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू 50 है और इसमें 50 जोड़ देंगे, ठीक है, तो टोटल निकल जाएगा, 50 आ जाएगा कॉमन, है ना, तो कितना हो जाएगा, √2+1, यानी कि ऑप्शन नंबर वन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भुज का क्षेत्रफल 49√3 इकाई हो तो उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, ठीक है, क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज का, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4a² यानी भुजा स्क्वायर, इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 49√3 दिया हुआ है। अब देखिए √3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद अब देखिए कि ये 4 इधर आ जाएगा और ये जो स्क्वायर है ये रूट हो जाएगा इधर, तो कितना हो गया, 49 का 7 हो गया और 4 का 2 हो गया, तो ए यानी कि भुजा का वैल्यू कितना निकल गया, 14 निकल गया। अब क्या पूछा हुआ है, ऊंचाई पूछा हुआ है, अब ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए ए क्या निकला है इसका, भुजा निकला है, तो पहला तो आंसर मिल गया कि 14 सेंटीमीटर होगा, 14 इकाई होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं शीर्ष से उसकी ऊंचाई की, तो कितना हो जाएगा, 1/2, आधार कितना हो जाएगा, आधार इसका उतना ही 14 हो जाएगा, और ऊंचाई पता नहीं है, और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ 49√3। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना बार में हो जाएगा, ये 7 से कट जाएगा और 7 से 2 49, ये 7 बार में ये भी लग जाएगा, तो एज का वैल्यू कितना निकल गया, 7√3, और ऐसा सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, लबालब भरी हुई एक टंकी से पानी निकाला जाता है, टंकी की आकृति उस घनाभ की है जिसकी लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 1.5 मीटर और गहराई 80 सेंटीमीटर है। यदि बाहर बहने वाली पानी की दर 120 सेंटीमीटर क्यूब/सेकेंड है तो 6 मिनट के बाद टंकी में पानी की ऊंचाई सेंटीमीटर में कितनी होगी। अब देखिए पहले ही बोल दिया है सेंटीमीटर में, तो सभी को हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। 4 मीटर लंबाई है, 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर इक्वल टू लंबाई कितना हो जाएगा, 400 सेंटीमीटर। उसके बाद चौड़ाई क्या हो जाएगा, 1.5 मीटर यानी कि 150 सेंटीमीटर हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद। उसके बाद हाइट कितना है, 80 सेंटीमीटर। अब उसके बाद निकाल लेते हैं वॉल्यूम उस टंकी का, तो वॉल्यूम क्या निकल जाएगा, आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी कि तीनों को आपस में कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो 15 × 60, 8 × 48 में 50, ठीक है, ओके। ये हो गया उस टंकी का पूरा वॉल्यूम, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बाहर बहने वाली पानी की जो दर है 120 सेंटीमीटर क्यूब/सेकेंड है, यानी एक सेकंड में 120 सेंटीमीटर क्यूब पानी बाहर निकल जाता है, ठीक है, और जो खाली बच जाता है उसका हाइट पूछा हुआ है, तो 6 मिनट में कितना पानी टोटल बाहर आ जाएगा, तो 6 × 60 यानी कि 360 सेकंड में कितना पानी आ जाएगा, तो 120 × 6 × 60, 6 × 36 को 12 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 432 में कितना 0000, ये निकाला गया पानी है। और उस टंकी का कैपेसिटी कितना था, उसका टोटल कैपेसिटी था 48 और इसमें 50, और उसके बाद इसमें माइनस कर देंगे तो बचा हुआ पानी पता चल जाएगा कि उस टंकी में कितना पानी बचा हुआ है, माइनस करते हैं 0, 8, 6, 5,
7, 4 ये बचा हुआ पानी है उस टंकी का, तो अब आसानी से हाइट निकाल सकते हैं एलबीएस से। एरियल की लंबाई कितना है टोटल 400 मीटर है, उसके बाद चौड़ाई कितना है 150 मीटर है, और हाइट अब नया हाइट बन जाएगा जो कि निकालना है क्वेश्चन में। कितना आया था टोटल, टोटल आया था 4756800। अब इसको कर लेते हैं कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, उसके बाद इसको 4 से कैंसिल कर सकते हैं, कितना बार में, एक बार में, फिर से एक, फिर से 8 बार, 9 बार, और ये 2 बार। उसके बाद देखिए ये 150 ये गुना में है, इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। और इसको जब टोटल कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आएगा 79.28 सेंटीमीटर, और यही इसका नया हाइट होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण उसके प्रत्येक आधार कोण से 12 डिग्री अधिक है, शीर्ष कोण है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि एक त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर है, और बराबर भुजा के सामने का कोण भी बराबर होता है, ठीक है, यानी कि दो जो कोण है वो बराबर होंगे। और यहाँ पे बोला हुआ है शीर्ष कोण से 12 डिग्री अधिक है तीसरा कोण, ठीक है, तो तीसरा कोण कितना हो जाएगा x+12 हो जाएगा, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 3x, ठीक है, और 12 उधर जाके माइनस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 168 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब x का वैल्यू जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 15 और 6 18, यानी कि x का वैल्यू निकल के आ गया कितना 56 डिग्री, ठीक है, तो शीर्ष कोण कितना हो जाएगा 56 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 56 डिग्री। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, एक वृत्त में स्थित समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं का लंबाई का अंतर 10 सेंटीमीटर है, यदि समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर हो तो इसके समांतर भुजाओं की लंबाई का अंतर क्या होगा। अब देखिए ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि एक समलंब है जो कि एक वृत्त के अंदर अंतर्निहित है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि ये दोनों भुजाओं के जो समांतर भुजा है इसके बीच का अंतर कितना है, इसके बीच का अंतर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और देखिए ये जो बीच की दूरी है ये कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज देखिए यहाँ बन रहा है, ये त्रिभुज यहाँ बन रहा है और यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है। अब ये वाला भुजा के बराबर होगा, ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी बराबर है, ये भी बराबर होगा, तो इस हिसाब से ये वाला भी क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। और जब ये बराबर भुजा होगा तो क्या हो जाएगा, अगर मान लेते हैं ये x तो ये भी x, तो दोनों को माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि यही दोनों असमांतर भुजा है, तो x में से x को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 0, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एक समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है समचतुर्भुज, यानी कि इसके चारों भुजा आपस में बराबर होंगे और ये इसका विकर्ण हो जाएगा। भुजा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और वेग विकर्ण दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर और दूसरे विकर्ण की लंबाई पूछा हुआ है। अब देखिए एक फॉर्मूला हम जानते हैं कि 4a² इक्वल टू होता है d1² प्लस d2², ठीक है। अब इसमें वैल्यू को पुट कर देते हैं, 4a का वैल्यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो 4 और 10 का स्क्वायर इक्वल टू d1 का वैल्यू नहीं पता और d2 का दिया हुआ है 16 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा 400, 10 दहिए 100 जो कि 400 हो जाएगा, इसका वैल्यू हो गया 400, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, और जब 256 माइनस करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 144, जो कि d2² के बराबर है। अब d2 स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 144 आ गया। अब ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा, और 144 का कितना होता है 12, ठीक है, तो इसका 12 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, टेन थीटा इक्वल टू 4/3 है तो इसका वैल्यू क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे टेन थीटा यानी कि p/b होता है, ठीक है, और p का वैल्यू दिया हुआ है 4 और b का वैल्यू दिया हुआ है 3। h का वैल्यू कितना निकल जाएगा ट्रिपलेट से 5 निकल जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं, पुट कर देते हैं दिए गए वैल्यू में, तो कितना हो जाएगा 4 × 5/3 माइनस 3 × 5/4। अब सेम वैल्यू है, बस बीच में प्लस है,
इसको पुट कर लेते हैं, ठीक है, 3 × 5/4। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व, एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 × 12 इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 × 80 माइनस 5 × 15 = 45, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सेम चीज़ आएगा, बस 80 + 45 और डिवाइड में 12, ये 12 और 12 हो जाएगा कैंसिल, तो टोटल ऊपर में कितना बच गया, ऊपर बचा 35 और नीचे बच गया कितना, टोटल हो गया 80 और 45 हो गया 125, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 × 35 = 7 और ये 25 बार में, यानी कि 7/25 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, 80 मीटर ऊंची एक चट्टान के शिखर से देखने पर एक मीनार के शिखर तथा तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है, तदनुसार उस मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि एक चट्टान का जो ऊंचाई है 80 मीटर है और एक मीनार के शिखर का अवनमन कोण कितना है, 30 डिग्री है, और इसके तल से अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री है, ठीक है। इसको हम बराबर कर देते हैं तो देखिए ये भी टोटल दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है, और ये जो है तल से कितना दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है टोटल 45 डिग्री। अब देखिए यहाँ भी 45 डिग्री है और यहाँ भी 45 डिग्री होगा, ठीक है। अच्छा ये 90 डिग्री है, अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, और अगर दोनों एंगल बराबर है तो इसका दोनों भुजा बराबर होगा, यानी कि टोटल यहाँ से यहाँ 80 सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये दोनों समांतर है तो ये भी कितना हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए टोटल कितना एंगल है, 30 डिग्री है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे कि 60 डिग्री एंगल के बराबर जो भुजा होती है वो क्या होता है, इसके आधार का अंडर रूट 3 होता है, यानी इसका जो डिस्टेंस है ये कितना हो गया, 80√3 हो गया, ठीक है। और यहाँ से यहाँ टोटल कितना दिया हुआ है, 80 मीटर दिया हुआ है, यानी टोटल में अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो ये वाला मीनार का ऊंचाई पता चल जाएगा कितना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि 80 में माइनस कर देते हैं 80√3, यही इसका क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एक वर्ग जिसका विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर है के बीच एक समकोण समचतुर्भुज कट कर निकाला जाता है जिसके विकर्ण क्रमशः 5√2 तथा 6√2 सेंटीमीटर है, शेष भाग का क्षेत्रफल बताएं। अब यहाँ पे देखिए वर्ग का एक विकर्ण दिया हुआ है, ठीक है, तो हम भुजा निकाल सकते हैं आसानी से, क्या होता है इसका विकर्ण होता है √2 = 16√2, √2 √2 कैंसिल हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना निकल गया, 16। अब हम वर्ग का आसानी से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर, और 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 256, तो हमें वर्ग का पता चल गया कि कितना होगा क्षेत्रफल। अब देखिए बीच में से ही, इसके बीच से ही एक समचतुर्भुज काट कर निकाला जाता है, ठीक है। अब हम इसका एरिया निकाल लेते हैं तो बचा हुआ जो क्षेत्रफल है, ठीक है, ये जो बचा हुआ क्षेत्रफल है इसका एरिया पता चल जाएगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 × d1 × d2, यानी कि इसके विकर्ण का गुना, तो क्या हो जाएगा, 6√2। अब ये और ये हो जाएगा कैंसिल 3 बार में, अब देखिए 2 ये 2 कितना हो जाएगा, √2 √2 2 हो जाएगा, और 5 × 15 × 30 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 256 में अगर हम 30 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 226 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, 35 सेंटीमीटर त्रिज्या के गाड़ी का पहिया 1 सेकंड में 2 चक्कर लगा रहा है, तो गाड़ी की गति किलोमीटर पर घंटा में क्या है। अब देखिए यहाँ पे त्रिज्या सेंटीमीटर में दिया है तो इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से कर देंगे डिवाइड, कितना हो जाएगा, 0.35 मीटर हो जाएगा। अब देखिए एक पहिया है तो वृत्ताकार है, तो इसका परिधि, इसका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, और वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr होता है, टोटल कितना चक्कर लगा रहा है, 2 चक्कर लगा रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यही इसका टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा 2 चक्कर में, ठीक है। तो निकालते हैं 2 × 2πr, पाई का वैल्यू 22/7 हो जाएगा और आर का वैल्यू कितना है, 0.35 मीटर है, दशमलव हटाएंगे 0 नीचे आ जाएगा, 5 से ये कट जाएगा 5 बार में, 7 से कट जाएगा 5 बार में,
और ये 5 से कट जाएगा 20 बार में, और ये 2 से कट जाएगा 10 बार में। ये कितना आ गया 44 डिवाइडेड बाई 10। जब 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यानी कि जो डिस्टेंस निकल कर आया कितना आ गया 4.4 मीटर आ गया। क्योंकि ये एक सेकंड में कवर कर रहा है तो स्पीड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा 4.4 डिवाइडेड बाई 1 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पूछा हुआ है किलोमीटर पर घंटा में, तो क्या करेंगे 4.4 में 18/5 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तब आ जाएगा किलोमीटर पर घंटा में। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं कितना आ जाएगा, ऊपर से मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है 79.2 डिवाइड बाई 5। अब इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 15.84 किलोमीटर पर आर, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। एक स्विमिंग पूल जिसकी चौड़ाई 8 मीटर, लंबाई 14 मीटर और गहराई 1 से 5 मीटर तक बढ़ रही है, उसका आयतन घन मीटर में क्या होगा। अब देखिए इसका जो गहराई है वो 1 से 5 मीटर तक बढ़ रही है, यानी 1 रहा होगा फिर उसके बाद 5 मीटर तक बढ़ रही है, ठीक है। शेप कुछ ऐसा बनेगा, ये 1 मीटर और ये 5 मीटर। अगर इसका 3 डायमेंशनल फिगर बनाए तो कैसा बन जाएगा, ये इसका 3 डायमेंशनल फिगर बन जाएगा, ये देखिए कुछ ऐसा बनेगा। अच्छा, बीच में अगर आप गौर करें तो बीच में कैसा शेप बन के आ रहा है, एक ट्रापीजियम आकार बन रहा है, यानी कि समलम, ठीक है, समलम बन जा रहा है, ये देखिए ये समलम बन जा रहा है। ये 1 मीटर है और ये 5 मीटर है, ठीक है, और ये इसका हाइट है जो कि 14 मीटर है। अब जानते हैं कि ट्रापीजियम का यानी समलम का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 और इसके समांतर भुजाओं का योग कितना हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, ठीक है, और इसका हाइट इंटू हाइट होता है हाइट। और आप ये जानते हैं कि एरिया किसका निकल गया, ये एरिया निकल गया ट्रापीजियम का। एक कंसेप्ट आप जानते होंगे कि अगर हम एरिया में हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम मिल जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि वेलन का जब हम वॉल्यूम निकाल रहे होते हैं तो उसमें क्या करते हैं, वृत्त का एरिया निकालते हैं, ठीक है, और वृत्त का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अगर इसके हाइट से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या होता है, बेलन का वॉल्यूम निकल जाता है। उसी तरीके से ट्रापीजियम का हम यहाँ पे एरिया निकाले हैं, अगर इसके हम हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो ये ट्रापीजियम आकार का जो स्विमिंग पूल है इसका टोटल वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। और हाइट कितना है, ये देखिए हाइट यहाँ पर देखिए टोटल लंबाई है 14 मीटर, ठीक है, और ये हाइट कितना है, टोटल 8 मीटर है जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन में चौड़ाई के रूप में, ठीक है, जो कि ट्रापीजियम का हाइट बन जाएगा, ठीक है। तो जब हम हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैलकुलेट करने के बाद कितना आ जाएगा, ये 3 बार में कट जाएगा, ठीक है, तो 14 8 कितना होता है 112, और 112 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 336, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 336। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन। 54 सेंटीमीटर एक तार को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे 54 क्या दिया हुआ है, त्रिभुज का पेरीमीटर दिया हुआ है यानी कि परिमाप दिया हुआ है, और समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। अगर एक भुजा हम ए मान लेते हैं तो टोटल भुजाओं का योग कितना हो जाएगा, यानी इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा, और यही दिया हुआ है 54, ठीक है, यानी a का वैल्यू जब हम निकालेंगे कितना निकल के आ जाएगा, 18 / 54, यानी कि 18 निकल जाएगा a का वैल्यू, ठीक है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 18 है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर की जगह पे 18 पुट कर देंगे, ठीक है, 18 × 18, ये 4 से कट जाएगा, दो बार में कटेगा 9, ये भी कटेगा 9, ठीक है, तो 9 × 9 = 81 √3, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन। ताश के गड्डी से पत्ता निकाला गया, इसके काला या गुलाम होने की संभावना क्या है। अब देखिए हम थोड़ा सा कार्ड के बारे में जान लेते हैं, कार्ड रेड और ब्लैक दोनों होते हैं, ठीक है, रेड और ब्लैक। अब ब्लैक में भी दो ग्रुप है, ठीक है, और इसमें भी दो ग्रुप है, 13 का ग्रुप है, टोटल कितने कार्ड हो गए, 52 कार्ड, ठीक है, और सभी ग्रुप में चार चार फेस कार्ड है, ठीक है, ब्लैक का भी 4 फेस कार्ड है और रेड का भी फेस कार्ड है।
तो 13 के ग्रुप में चार फेस कार्ड कौन कौन सा है? सबसे पहले होता है गुलाम, बेगम, एक्का और बादशाह। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पूछा हुआ है कि काला या गुलाम होने की संभावना क्या है। अब देखिए टोटल काला कितना है, ठीक है, टोटल 26 काला है, ठीक है, कितना में से? 52 में से, या मतलब होता प्लस, ठीक है। गुलाम टोटल कितना होता है? 4 गुलाम होता है, कितना में से? टोटल 52 में से, 2 रेड का और 2 ब्लैक का, ठीक है। लेकिन आप अगर देखें तो ब्लैक में टोटल 26 ब्लैक में 2 बार ये गुलाम आ चुका है, ठीक है, 2 बार गुलाम आ चुका है, यहाँ भी काउंट हो रहा है, यहाँ भी काउंट हो रहा है। इसलिए हम क्या करते हैं कि 2 गुलाम को टोटल 52 में से क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? तो एलसीएम हो जाएगा 52 26 प्लस 4 और माइनस 2, टोटल कितना हो गया ऊपर में? 28/52। जब इसको कैंसिल करेंगे तो कितना बार में हो जाएगा? 7/13। तो 7/13 यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने मैथ का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, 20 क्वेश्चन। अब देखते हैं रीजनिंग का क्वेश्चन। नेक्स्ट अब यहाँ से रीजनिंग का क्वेश्चन शुरू हो जाता है और पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्प को पूरा करने वाला सबसे अच्छा विकल्प खोजें। तो वर्णमाला को यानी कि अल्फाबेट को 26 लिखा जाता है, तो बास्केटबॉल को कितना लिखा जाएगा यानी बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगर हम ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हैं, 11 खिलाड़ी किस किस में होते हैं? ये होते हैं हॉकी में, फुटबॉल में और क्रिकेट में। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 की, तो 7 खिलाड़ी किस किस में होते हैं? वाटर पोलो में और कबड्डी में, ठीक है। और पोलो में कितने होते हैं? सिर्फ पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। अच्छा, 6 खिलाड़ी किस में होते हैं? 6 खिलाड़ी होते हैं वॉलीबॉल में, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, पृथका का दोषपूर्ण घड़ी हर 2 घंटे में 3 मिनट खो देता है, उसके बाद कितने समय में 2 घंटे खो देंगे यानी 2 घंटा खोने में कितना समय लगेगा? तो देखिए 2 घंटे में 3 मिनट खो देता है, ठीक है, 2 घंटे यानी कि 120 मिनट खोने में कितना समय लगेगा ये पूछा हुआ है। तो 120 मिनट यानी कि इसको हम 40 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो टोटल 120 मिनट खोने में कितना समय ले लेगा? तो इसको हम भी करेंगे 40 से गुना, यानी कि टोटल 80 घंटे का समय ले लेगा, ठीक है, 2 घंटे में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, किन्नी जो दर्पण के सामने खड़ा है वह नोट करता है कि उसकी घड़ी 3.15 के रूप में दिखा रहा है, जब आईने में देखा जाता है तो वास्तविक समय क्या होगा? इसको बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं, 11.60 में से 3.15 को माइनस कर देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 8.45। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, दी गई श्रृंखला में वर्ड के स्थान पर क्या होना चाहिए? क्या दिया हुआ है? ZDHN, वर्ड के स्थान पर क्या होगा ये पूछा हुआ है। अब देखिए इसका कितना होता है? 26, इसका होता है 4, एच का होता है 8 और एन का होता है 14। अब देखिए ये कितना है? 4 बढ़ रहा है, फिर से ये 4 बढ़ रहा है, अब इसमें 6 बढ़ रहा है, तो नेक्स्ट क्या बढ़ेगा? 6 बढ़ेगा और 14 में से 6 जोड़ेंगे तो 20, और 20 किसका होता है? टी का, T20, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कितनी बार 12 घंटों की निरंतर अवधि के बीच 2 से 2 बजे तक एक साधारण घड़ी, दो हाथ एक दूसरे पर बिल्कुल सही होंगे यानी एक दूसरे पर एग्जैक्टली ओवरलैप करेंगे, ये कितने बार करेंगे? तो ये 11 बार करेंगे, एक कम हो जाता है 12 में से, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, LOT को अगर इतना लिखा जाता है, RYE को ये लिखा जाता है, तो लाइट को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। अब L का होता है 12, I का होता है 9, G का 7, H का 8 और टी का 20, सभी का स्क्वायर किया हुआ है, ठीक है, सभी का स्क्वायर किया हुआ तो कितना हो जाएगा? 144, 81, 7 का 49, 8 का 64 और 20 का 400, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अगर स्नातक को गांव लिखा जाता है तो पुरोहित को क्या लिखा जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैसोक, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, इसमें कोई ट्रिक काम नहीं करेगा, इसको खुद आपको समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक लड़के की ओर संकेत करते हुए रमन ने कहा कि उनकी माँ के भाई
मेरी माँ के पिता के एकमात्र पुत्र है। पता लगाएं कि लड़के की माँ रमन से कैसे संबंधित है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि रमन ने क्या कहा, उनकी माँ का भाई, मेरी माँ के पिता का एकमात्र पुत्र है, मतलब एकमात्र पुत्र ये हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या क्या, उनकी माँ के भाई यानी कि ये एक लड़का है और इनके माँ का भाई, ये माँ का भाई हो जाएगा, ठीक है। अब पता लगाने बोल रहा है कि लड़के लड़के की माँ रमन से किस प्रकार संबंधित है, तो मौसी है, ठीक है। और मौसी नहीं दिया हुआ ऑप्शन में, आंटी दिया हुआ, तो आंटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए राम ने कहा, ठीक है, किसने कहा, राम ने कहा कि उनकी पोती मेरे भाई का एकमात्र बेटी है। उनकी पोती मतलब यहाँ पे इनके दादा रहे होंगे तभी तो ये पोती होगी। तो राम उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, इस व्यक्ति से राम किस प्रकार संबंधित है, तो ये भाई है और भाई का पिता क्या होता है, पिता। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, यदि ए बी के बेटा का भाई है तो बी ए से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए यहाँ पे बी के बेटे का भाई है ए, ठीक है। तो पूछ रहा है कि ए बी से किस प्रकार संबंधित है, तो बी का बेटा पोता, और पोता का भाई पोता ही होगा, यानी ग्रैंडसन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, यदि ई को 5 लिखा जाता है, ईयर को 49 लिखा जाता है, तो लीप को क्या लिखा जाएगा, बस सबको जोड़ देना है, तो 12 5 1 16, ठीक है, 7 5 12 और 2 14 2 1 3, 34 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, यदि प्रभा को इतना लिखा जाता है, तिलक को इतना लिखा जाता है, तो भारती को क्या लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है, प्लेस वैल्यू के आधार पर इसको हम बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले है बी, और बी का यहाँ पे वैल्यू कितना है, देखिए 9 है, ठीक है। फिर है एज, एज का दूसरे नंबर पे यहाँ पे क्या है, 6 है। फिर देखिए ए का कितना है, ए का देखिए सेकेंड लास्ट है 5, और इसके बाद देखिए आर का क्या है, आर देखिए यहाँ पे सेकेंड में आर है तो 7, यानी कि 96 7 कौन सा ऑप्शन नंबर में है, यानी कि 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, यदि कोड भाषा में 12 को इतना लिखा जाता है, 20 को इतना लिखा जाता है, तो 11 को क्या लिखा जाएगा, सेम है, बस प्लेस वैल्यू के आधार पर इसको भी करेंगे। सबसे पहले ई आ रहा है, और ई का प्लेस वैल्यू कितना है, 3 है। उसके बाद देखिए एल का कितना है, देखिए यहाँ पर एल का यहाँ पे 2 आ रहा है, तो 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ई का कितना पे आ रहा है, ई का आ रहा है फिर से 3, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए वी, और वी का यहाँ पे कितना हो जाएगा, लेकिन लास्ट में ये देखिए 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। और ऐसा सिर्फ ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर थ्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अब देखिए यदि कोड भाषा में रैन को इतना लिखा जाता है, मोर को इतना लिखा जाता है, तो रिमेन को क्या लिखा जाएगा। तो सेम कंसेप्ट है, इसमें भी प्लेस वैल्यू के आधार पर निकालेंगे। तो देखिए आर का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए 8 हो जाएगा, तो 8 हो गया। ई का क्या हो जाएगा, ई का देखिए यहाँ पर ई का हो जाएगा एट द रेट। उसके बाद एम का क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ एम का हो जाएगा 7, ठीक है। और ऐसा सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में ही दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, अगर कुछ शुरुआती जो करेक्टर्स और नंबर मैच कर जाते हैं तो सारे के सारे हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है, एग्जाम में समय बचता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, यदि 2 दिसंबर 2000 को शनिवार था, तो 3 जनवरी 2001 को कौन सा दिन था। अब देखिए बहुत ईजी तरीके से इसको बना सकते हैं, 2 दिसंबर का 2 दिन गुजर चुका है, तो टोटल कितना दिन बच गया, 29 दिसंबर खत्म, अब आ जाएगा 2021 आ जाएगा, और 2021 का कितना है, 3 है। अब इसको करेंगे 7 से डिवाइड, तो 32 में 7 का डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 4 बचेगा। अब शनिवार के बाद 4 आगे बढ़ जाइए तो कितना हो जाएगा, शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेडनेसडे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, 8 जून 2007 को कौन सा दिन था। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, या झारखंड से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो,
इसमें इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं। अब इसे बनाने के लिए बहुत लोग फार्मूला यूज़ करते हैं। हम फार्मूला नहीं बल्कि इससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट बता रहे हैं जो कि यूनिवर्सल है, सब में काम करेगा। तो चलिए कैलेंडर का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हम कैलेंडर की अगर हम बात करते हैं तो कैलेंडर में दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक तो लीप ईयर है और एक नॉर्मल ईयर है। सभी जानते हैं लीप ईयर क्या होता है। लीप ईयर में होता है 366 दिन और नॉर्मल ईयर में कितना होता है, 365 दिन होता है और 6 घंटा होता है। यही 6 घंटा 4 साल में 24 घंटा बन जाता है और ये 24 घंटा जो है एक दिन के बराबर है और यही 365 में एक दिन बढ़ जाता है, यानी कि टोटल कितना हो जाता है, 366 दिन। इसलिए हम कह देते हैं कि जो लीप ईयर है वो 4 साल में एक बार आता है, या फिर हम कहते हैं कि जो भी 4 से डिविजिबल है, ठीक है, जो भी 4 से भाग लग जाता है उसको हम लीप ईयर कहते हैं। जैसे 2016 4 से भाग लग रहा है तो ये लीप ईयर है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 2010 की तो ये 4 से डिविजिबल है क्या, नहीं है, तो ये लीप ईयर नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि अगर लास्ट में 00 हो, ठीक है, तब हम क्या 4 से डिवाइड करके लीप ईयर फाइंड करेंगे, नहीं। अगर लास्ट में 00 होगा तो हम हमेशा 400 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर 400 से डिविजिबल हो जाएगा तभी वो लीप ईयर होगा, अदरवाइज वो लीप ईयर नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि मान के चलिए हमारे पास है 2200, क्या ये 400 डिविजिबल है, नहीं है, तो ये भी लीप ईयर नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं 2000 ईस्वी का तो ये क्या 400 से डिवाइड है, बिल्कुल है। अगर ये 400 से डिविजिबल है इसका मतलब 2000 ईस्वी क्या है, लीप ईयर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं 100 साल में ओड डेज क्या होता है, ओड डेज। अब देखिए ओड डेज मतलब पहले आपको समझना होगा कि ओड डेज होता क्या है। एक्चुअली अगर हम 31 को 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है, इसमें रिमाइंडर बच रहा है 3, ठीक है, और 3 इसका ओड डेज हो गया, यानी कि जितना 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बचता है यानी कि शेषफल बचता है वही उसका ओड डेज हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं कि 28 में से 7 को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा, तो 0 इसका ओड डेज हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि 24 मान लेते हैं और इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना रिमाइंडर बच रहा है, 3 इसका ओड डेज हो जाएगा। लेकिन ये हम 31 डेज में ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे, ठीक है, तो कितने लीप ईयर हो जाएंगे, टोटल लीप ईयर होता है 24, ठीक है, 24 इसमें लीप ईयर होता है और बाकी 76 होता है नॉर्मल ईयर, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपको समझना चाहिए कि लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366 दिन, और जब इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, यानी कि लीप ईयर में हमेशा रिमाइंडर 2 होता है और नॉर्मल ईयर में कितना हो जाएगा, 365 को जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 1 आ रहा है, यानी कि नॉर्मल ईयर में हमेशा ऑड डेज होता है 1 और लीप ईयर में कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। तो लीप ईयर में यानी कि टोटल 24 ईयर में कितना लीप ईयर हो जाएगा, तो एक लीप ईयर में होता है 2, तो 24 में कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, और 76 में यानी कि 76 नॉर्मल ईयर में, एक नॉर्मल ईयर में होता है 1 ऑड डेज, तो 76 में कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल ऑड डेज निकल के कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 124, ये टोटल ऑड डेज हो गया, ठीक है। अब ऑड डेज तो 7 से कम होता है, 7 से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो इसको क्या करेंगे, 124 को हम फिर 7 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा रिमाइंडर, 5, और यही इसका ऑड डेज होगा। यानी हम कह सकते हैं कि 100 साल में ऑड डेज कितना होता है, 5, तो 200 साल में कितना हो जाएगा, 5 × 2 आप कहेंगे 10, और 10 नहीं हो सकता है क्योंकि 7 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो 7 से करेंगे डिवाइड और फिर से इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, 3, और 3 इसका ऑड डेज हो जाएगा। उसके बाद देखिए 300 साल में 5 × 15 हो जाएगा, क्योंकि 100 साल में 5 होता है तो 3 साल में 15 हो जाएगा, तो 15 नहीं हो सकता है, फिर हम 7 से करेंगे डिवाइड तो रिमाइंडर यहाँ कितना पे आ रहा है, 1 आ रहा है रिमाइंडर, तो 1 इसका ऑड डेज हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि 100 साल में ऑड डेज कितना होता है, 5, 200 साल में ऑड डेज कितना होता है, 3, और 300 साल में ऑड डेज कितना होता है, 1। अब देखिए अगर हम मान लेते हैं कि ये 1900 है, ठीक है,
और इसका ओड डेज निकालना है। तो 400 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 400 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4 × 16 300 आ जाएगा, 300 साल है। अब 300 साल में रिमाइंडर कितना होगा, अभी बताए थे एक होगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम करते हैं ये 2200 है और इसको 400 से हम डिवाइड कर रहे हैं, और इसका अगर हम ओड डेज फाइंड करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, तो देखिए अगर हम 400 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 200 आ रहा है, ठीक है। और 200 में ओड डेज कितना होता है, अभी बताए थे टोटल 3 होते हैं, क्योंकि 100 में होता है 5, तो कितना हो जाएगा 200 में हो जाएगा 10, और 10 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो फिर से कितना बचेगा, 3 रिमाइंडर बचेगा, और यही इसका ओड डेज हो जाएगा। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट को हम बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई करेंगे, उससे पहले एक कोड और आप समझिए कि संडे को हमेशा 0 मानना है, मंडे को 1, इस तरीके से टोटल सैटरडे तक यानी कि शनिवार तक 6 इस कोड को हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसा कि क्वेश्चन में था कि 8 जून 2007 को कौन सा दिन था, अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 8 जून 2007 में इससे पहले वाला ईयर कंप्लीट हो चुका है और ये 2007 अभी रनिंग में है, ये चल रहा है। तो हम क्या करेंगे कि जो कंप्लीट हो चुका है यानी कि इससे पहले वाला 2006 इसको ब्रेक कर देंगे 2000 में और 6 में। अब देखिए लास्ट में 00 है तो 400 से डिवाइड करेंगे तो इसमें रिमाइंडर कितना आएगा, 0, और वही इसको ऑड डेज हो जाएगा। 6 को एज इट इज लिख देंगे और देखिए 6 में कितना लीप ईयर बनेगा, अगर हम 6 को 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना बार में, एक बार में, ठीक है। इसमें रिमाइंडर नहीं बल्कि कितना बार में भाग लगेगा, टोटल हमको फाइंड करना है क्या लीप ईयर कितना हो जाएगा, तो इसमें एक लीप ईयर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2007 ये पूरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये रनिंग में है, तो 2007 में अब देखिए जनवरी में कितना और डेज होगा, 31 डेज का होता है, ठीक है, 31 डेज का, और 31 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे कितना रिमाइंडर होगा, 3, तो जनवरी में कितना हो जाएगा, 3, फरवरी में 0, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, तो 8 का टोटल 8 ले लेंगे। अब देखिए सभी को कर देंगे ऐड, ये कितना टोटल हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, और ये ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 6 × 3 = 9 × 9 = 11 11 और 9 = 19 19 + 7 = 26 और 26 को जब हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा, 7 × 21 5 इसका रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। अगर हम कोड के हिसाब से देखें तो संडे 0, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फ्राइडे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को हम बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्रवार, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, 5 कामकाजी महिलाएं एक पंक्ति में बैठी हैं, रूबी साधना या आदित्य के निकट नहीं है, रूबी मीरा के निकट है, मीरा बीच में है, अनन्या साधना के निकट नहीं है, फिर अनन्या किसके पास है। अब देखिए इसमें 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5 और बीच में बैठी है मीरा, देखिए बीच में मीरा बैठी है तो बीच में मीरा को बैठा देते हैं। रूबी मीरा के निकट है मतलब रूबी यहाँ हो सकती है या यहाँ हो सकती है, हम मान लेते हैं यहाँ, ठीक है। उसके बाद देखिए रूबी साधना या आदित्य के निकट नहीं, ठीक है, तो अगर रूबी यहाँ पे है तो आदित्य या साधना ये दोनों में से तो यहाँ नहीं बैठ सकती है, मतलब ये दोनों यहीं कहीं बैठेगी, ठीक है। अनन्या साधना के निकट नहीं है तो अनन्या को हम यहाँ बैठा देते हैं, अनन्या यहाँ बैठ जाएगी। उसके बाद फिर अनन्या किसके पास है, आगे देखने की जरूरत नहीं कि कौन यहाँ पे कौन बैठेगा। अब देखिए अनन्या किसके निकट है, रूबी के निकट है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करें। अब देखिए एक श्रृंखला दिया हुआ है, अब इसमें अगर हम देखें तो देखिए सब में 5-5 का गैप है, ई के बाद जेड, फिर उसके बाद ओ और ओ के बाद टी, सब में नेक्स्ट 5 हो रहा है। अब उसी तरीके से एच में नेक्स्ट 5 करेंगे क्या हो जाएगा, 13, और 13 किसका होता है, एम का, और एम में फिर से 5 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 + 5 यानी कि 18, 18 होता है आर का, और फिर आर का हो गया 18, फिर 18 में 5 ऐड करेंगे W, यानी कि एम आर W इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19,
शब्दकोश के अनुसार दिए गए शब्दों को व्यवस्थित करें। अब देखिए गन सभी में कॉमन है, ठीक है। गन के बाद इसमें क्या है, एन वाई है, इसमें क्या है, एन ई आर वाई है, ठीक है। उसमें क्या है, मेटल है, एम ई टी ए एल, इसमें पाउडर है यानी कि पी ओ, इसमें क्या है, गन स्मिथ है, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए कि यहाँ पे एन तो दोनों में है तो हम ये पता नहीं कर सकते हैं। अब देखिए उसके बाद फिर क्या है, यहाँ एन है, यहाँ एन है, और एन का होता है 14 और एम का होता है 13, वो का होता है 16 और एस का होता है 19। तो पहले नंबर पे तो ये आ जाएगा यानी कि गन मेटल आ जाएगा पहले नंबर पे, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे कौन आ जाएगा, अब देखिए ये तो 19 और 16 है, ये दोनों नहीं हो सकता, ये दोनों में कोई होगा, एन तो इसमें कॉमन है। उसके बाद देखिए दूसरे नंबर पे ये आ रहा है यानी कि दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा, और तीसरे नंबर पे कौन सा आ जाएगा, गन्नी यानी कि ये, और यही इसका मिडिल है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गन्नी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, साइबरनेटिक्स में प्रयुक्त एक वर्ण उसी स्थान पर है जिस स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला में आता है, उस वर्ण की पहचान कीजिए। अब देखिए अगर आप साइबरनेटिक्स को ध्यान से देखें, 30 में अगर हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखिए आई 9 नंबर पे आ रहा है, ठीक है। और अगर हम अल्फ़ाबेट में देखते हैं तो कितना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई देखिए यहाँ भी 9 नंबर पे आ रहा है। तो इस अल्फ़ाबेट सीरीज में भी 9 नंबर पे आ रहा है और इस वर्ड में भी 9th नंबर पे आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि सेम पोजीशन है आई का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आई यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो, और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।